क्या डायबिटीज के मरीज खजूर खा सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई भी चीज खाना है तो उसके पहले आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। जब तक आप किसी भी खाने की चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड नहीं जानेंगे, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि डायबिटीज के मरीज वो चीज खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीज खजूर खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूं क्या डायबिटीज के मरीज खजूर खा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो देखिए गाइस, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफी कम है, 49 के आसपास है। लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोग को ये बताता रहता हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब कुछ नहीं होता है, ग्लाइसेमिक लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइसेमिक लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दैट वन पर्टिकुलर पोर्शन डिवाइडेड बाय 100। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक खजूर की बात करूं तो एक खजूर में तकरीबन 18 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब है कि अगर दो खजूर मैं लेता हूं तो उसमें 36 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो अगर मैं दो खजूर का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खजूर का कितना बताया था मैंने, 49। तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 100, ये तकरीबन 18 के आसपास आता है। तो दो खजूर का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 18 है। अब ग्लाइसेमिक लोड को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहला कैटेगरी लो है, फिर मीडियम है, फिर हाई है। लो मतलब 1 से लेके 10 तक आपका अगर ग्लाइसेमिक लोड है तो उस फूड पोर्शन का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो लो है, 1 से 10 के बीच में अगर रहता है। 11 से 19 तक रहता है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो मीडियम है, और अगर 20 या उससे ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड। तो आप देख सकते हैं दो खजूर का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 18 है, यानी कि ये एक मीडियम रेंज में आता है। तो गाइस, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि हमेशा लो ग्लाइसेमिक लोड फूड ही लेना है। तो इसका क्या मतलब है कि दो खजूर अगर आप खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड काफी हाई है। तो इसीलिए डायबिटीज के मरीज को हमेशा खजूर को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक खजूर की बात करूं तो एक खजूर का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 9 है, यानी कि लो कैटेगरी में आएगा। तो गाइस, अगर आपको डायबिटीज है तो आप खजूर खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक खजूर, क्योंकि अगर आप एक खजूर खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 9 है और वो काफी लो है। तो एक खजूर आप आराम से दिन में खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खजूर से ज्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। एक और तरीका बता देता हूं कि आप लोग कैसे अपने डाइट में खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी मीठा चीज आप लोग खाए तो उसको हमेशा प्रोटीन और फैट के साथ मिला खाए, तो फिर आपका शुगर लेवल उतना रेज नहीं होगा। अगर आप खजूर को बादाम या अखरोट के साथ मिला के खाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका शुगर लेवल उतना रेज नहीं होगा, क्योंकि बादाम में अच्छा खासा फैट और थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, जिसके कारण आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है खजूर में वो इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इजीली जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर आपका शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो गाइस, क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, लेकिन एक खजूर पूरे दिन में खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स खजूर का काफी कम है, 49 है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब कुछ नहीं होता है, ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करना है। तो अगर आप लोग ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करेंगे तो आप सारे चीज खा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना लोगों को फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।